हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ राशन का सामान लेने। एक्चुअली राशन का सामान तो मैं कभी लेके नहीं आती हूँ, मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं। पर क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके नाम आपको याद नहीं आते हैं, या मतलब चीज़ें देख के याद आती हैं। तो इसलिए मैं जा रही हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे लेनी हैं जो कि होती तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर वो कभी कभी ही हम लोग यूज़ करते हैं पर इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वही लेने जा रही हूँ मैं। वैसे तो रेगुलर का सामान में अगर आप लिस्ट बनाओ तो सिर्फ वही चीनी, दाल, नमक, मसाला, बस यही याद आता है। लेकिन कुछ नई चीज़ें भी आई होती हैं तो वो भी देखने का मौका मिलता है, और कुछ सामान देख के भी याद आता है। भले ही हम उसे रोज़ रोज़ यूज़ ना करें, पर क्या होता है कि कभी अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। होता खाने पीने की ही चीज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ चीज़ें लेके आते हैं। आज मैं भी चलूँगी मार्केट साथ में, तो राशन के सामान के साथ साथ कुछ वो सारी चीज़ें भी मैं लूँगी। तो वही मैं गई राशन का सामान लेने, और साथ में मेरी डॉटर भी गई है। तो रिया अपना इसलिए गई है कि वो अपने पसंद की कुछ चीज़ें लेना चाहती थी, तो हुआ कि चलो ठीक है सब चलते हैं, साथ में चल के ले आते हैं। तो वही हम लोग जा रहे हैं। जहाँ मैं राशन लेने जा रही हूँ वो होलसेल मार्केट है, और वहाँ पे सामान काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं ऑनलाइन भी मंगाती हूँ, किसी भी ऐप से मंगाती हूँ ऑनलाइन, तो किसी में थोड़ा सस्ता, किसी में थोड़ा महंगा रहता है, पर यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में सामान मिल जाता है। क्योंकि ये बहुत पुराना मार्केट है, ये दिल्ली का मार्केट है, और यहाँ नोएडा में इन्होंने खोल रखा है, तो काफ़ी अच्छे दाम में सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। यहाँ पर बहुत कम मार्केट था, और अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुल गई हैं। वही मैं कह रही थी कि यहाँ तो ये अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, काफ़ी प्रोग्रेस दिख रहा है। और आप यहाँ देख भी रहे हैं, बन भी रहा है, बहुत सारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह यहाँ बन रहे हैं काफ़ी, तो काफ़ी अच्छा मार्केट हो गया ये। स्मार्ट पॉइंट यहाँ पे भी है, यही स्मार्ट पॉइंट देखिए ना, स्मार्ट पॉइंट यही पे ओबरा में भी है, स्मार्ट पॉइंट सेम स्मार्ट पॉइंट ओबरा में भी है। हम लोग आ गए कोंडली बाजार। और यहाँ पे मेरे साथ एक इत्तेफाक हुआ, वो ये हुआ कि मैं जब अपना वीडियो शूट कर रही थी, जब मैं सामान ले रही थी तो वीडियो शूट कर रही थी अपना, तो वहीं पे मेरे हस्बैंड बिलिंग करा रहे थे, तो मैं फिर उनका वीडियो शूट कर रही थी। फिर क्या हुआ, एक ऐसे ही कुछ विलेन टाइप के लोग होते हैं जिसको कुछ करना वरना होता नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में अपनी टांग जरूर अड़ानी होती है। तो उसी टाइप की एक लेडी आई, पता नहीं कहाँ से आई, हम लोग बिलिंग करा के निकल ही रहे थे, निकलने ही वाले थे, बिलिंग हो रही थी हमारी। आती है और उसके बाद से बोलती है कि आप बिना पूछे वीडियो क्यों शूट कर रहे हो, जैसे लगा कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। ठीक है, थी कुछ भी नहीं, पर होता है किसी किसी की आदत होती है ना बीच में टांग अड़ाने की, जबकि मैं उसका कोई वीडियो शूट भी नहीं कर रही थी। और उसके बाद से मुझे भी गुस्सा आया, मैंने बोला कि मैंने आपका कोई वीडियो शूट नहीं किया है और ना वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड का शूट कर रही हूँ, चार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उससे हमें क्या, और आपका वीडियो शूट तो नहीं किया है, आप बोलने वाली कौन होती हैं। उसके बाद से वो दुकान वालों से कह रही है जाके कि आपसे पूछे बिना ये वीडियो बना रही हैं, तो उल्टे मुँह गिरी वो
क्योंकि उसने कहा, उन लोगों ने, बिलिंग वालों ने, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका तो प्रचार हो रहा था। इसीलिए कहते हैं ना, बिना सोचे समझे हीरो नहीं बनना चाहिए। उल्टा दुकान वालों ने मुझसे पूछा, आप वीडियो बनाती हैं? मैंने बोला हाँ, तो बोला ठीक है मैम बनाओ आप। फिर तो उसका मुंह छोटा सा हो गया। उसकी थोड़ी सी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। सुना आप लोगों ने, तो ऐसे ही होता है, जो ज़्यादा बोलता है बिना सोचे समझे बोलता है और हर एक किसी न किसी के बात में टांग अपनी अड़ाता है, तो खुद ब खुद अपनी नज़रों में, लोगों की नज़रों में खुद ब खुद गिरता है। इसलिए कहते हैं जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलो। अरे भाई, मैं YouTube बनाती हूँ और मैं अपना ही बना रही हूँ, मैं खुद संभाल ले रही हूँ, उसका बना रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड बिलिंग करा रहे हैं उनका खींच रही हूँ, मैं सामान अपने बॉक्स में डाल रही हूँ वो खींच रही हूँ, तो मैं जो भी काम कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ। और उसमें चार लोग आ रहे हैं, पब्लिक में चार लोग आ रहे हैं, तो मैं क्या एक एक लोगों से पूछती रही हूँ इतनी पब्लिक से, आपको लग रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अपना मुँह ढक लो। इतने सारे यूट्यूब ब्लॉगर हैं, इतना कुछ उन लोगों ने अचीव किया है, इतना कवरेज करते हैं, पब्लिक तो होती है, तो वो हर एक से पूछते नहीं हैं। भाई हम समाज में रहते हैं तो हम समाज के बीच में ही चीज़ें करते हैं, हम अलग से कोई चीज़ नहीं कर सकते। और एक तरीका होता है, तरीके से भी चीज़ें बोली जा सकती हैं। आराम से भी आप बोल सकते थे कि मैम आप मेरा वीडियो नहीं लेना, बस बात वहीं पर ख़त्म हो जाती। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। आपने आग लगाई तो थी दुकान वाले से, पर दुकान वाले ने तो उसका उल्टा ही जवाब दे दिया आपको। उसने तो मुझे बोला हाँ हाँ ठीक है बनाओ, क्योंकि उसका प्रचार हो रहा है, आपका मुंह तो छोटा हो गया। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोगों से ये बातें मुझे शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बातें आपसे शेयर की। तो आप लोग भी बताइएगा मैंने सही किया या नहीं। और अब मैं आ गई हूँ स्मार्ट पॉइंट। तो ये मैंने नया शॉप देखा, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी देखती हूँ कैसा है ये। तो अच्छा था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर ठीक था।
तो दोस्तों, आपको हमारा आज का शॉपिंग वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए आते हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।